very good morning students today we are going to discuss second part of theorem 9 which is we are required to prove that the function f is infinitely differentiable on ball with center at a and radius capital r and furthermore that kth derivative of function is given by equation 1 for all k greater than equals to 1 and mod of z minus of a is less than of कैपिटल आर ठीक है स्टूडेंट्स ये हमने फर्स्ट पार्ट अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द बी पार्ट लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ हमें पता है दैट एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनीटी ए एन जेड एंड इसको हमने ब्रेक करा पार्ट्स में फ्रॉम के इक्वल टू जीरो टू एन और एन प्लस वन से इन्फिनीटी तक इसको हमने डिनोट कर दिया बाय एस एन जेड एंड इसको हमने डिनोट कर दिया बाय आर एन जेड तो क्या हुआ कि एफ ऑफ जेड कैन बी रिटर्न आज एफ ऑफ जेड कैन बी रिटर्न आज एस एन जेड प्लस आर एन सेड वेयर एस एन जेड क्या होगा समेन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम जीरो टू एन ए के जेड की पार के एंड आर एन जेड क्या होगा आपके पास समेसन ऑफ के वेरिंग फ्राम एन प्लस वन टू इन्फिनी ए के जेड के इज़ इट राइट स्टूडेंट्स ठीक है अब मुझे क्या प्रूव करना है आई हैव टू प्रूव दैट कि फंक्शन इज इनफ़िनिटली डिफरेंशिएबल ऑन बोर्ड ठीक है तो मैंने एक फंक्शन ले लिया जी ऑफ जेड जिसमें उसका देरिव... इसका डेरीवेटिव कंसिडर करा दैट इज़ मैंने क्या जी ऑफ जेड कंसिडर करा समेशन ऑफ एन बेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एन ए एन जेड की पार एन माइनस वन ठीक है स्टूडेंट्स मुझे प्रूफ क्या करना है आई हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज इंफानाइटली डिफरेंशियेबल ऑन द बॉल विद सेंटर एट ए एंड रेडियस आर मीन्स मैं क्या करूंगी एक पॉइंट फिक्स कर लूंगी एट लेट इट बी डब्ल्यू इन बॉल विद सेंटर एट ए एंड रेडियस आर इज इट राइट स्टूडेंट्स एंड फिक्स आर सच दैट मॉड ऑफ डब्ल्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन आर विच इज स्ट्रिक्ट लेस देन कैपिटल ऑफ आर इज इट राइट स्टूडेंट्स मतलब हमने एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला सर्कल ये हुआ जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है इसके अंदर हमने कोई एक बॉल कंसिडर करी विथ सेंटर एट ए एंड रेडियस आर इसकी रेडियस क्या है आर अब हमने इस वाले में एक पॉइंट फिक्स कर दिया लेट इट बी डब्ल्यू सच दु मॉड ऑफ डब्ल्यू है वो लेस दैन स्ट्रिक्टली आर है स्मॉल आर है विच इज स्ट्रिक्टली लेस दैन ऑफ कैपिटल आर इज इट राइट स्टूडेंट ठीक है अब हमें पता है दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एंड जेड की पार एन फॉर ऑल मॉड ऑफ जेड लेस देन ऑफ कैपिटल आर ठीक है एफ डैश डब्ल्यू हमने ये कंसिडर कर लिया से फॉर दिस ठीक है अब हमें प्रूफ क्या करना है डोंट राइट हेयर इज़ इक्वल्स टू जी डब्बू हमें हमने ये कंसिडर कर लिया कि एफ़ डैश डब्ल्यू हमारे पास फर्स्ट पार्ट से ये आया था ना दैट एफ डैश डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू समेशन ऑफ़ एन वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनीटी एन ए एन डब्ल्यू एन माइनस वन मुझे क्या प्रूफ करना है कि वो इन्फानाइटली डिफ्रेंशियबल है इन्फानाइटली डिफरेंशियबल है मीन्स मुझे क्या प्रूफ करना है एफ डब्ल्यू डैश एफ डैश डब्ल्यू एक्जिस्ट कर रहा है और जो एफ डैश डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है एफ डैश डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू की ठीक है इसके लिए हमने क्या प्रोसीड करा वी फिक्सड वी चूज डेल पॉजिटिव सच दैट कि ये जो क्लोज बॉल है वो छोटी है फ्रॉम द बॉल विथ सेंटर एट ए एंड रेडियस ठीक है अब इसमें से मैंने एक पॉइंट कंसिडर करा लेट जेड बिलोंगिंग्स टू क्लोज बॉल विथ सेंटर एट डब्ल्यू एंड रेडियस डेल इसका मतलब इस पॉइंट को हमने सेंटर लेके एक बॉल ड्रॉ करी बॉल बनाई जिसकी रेडियस क्या है डेल और सेंटर क्या है डब्ल्यू ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक समझ आया ठीक है अब हमने क्या प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट एफ डैच डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू ठीक है मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है मॉड ऑफ एफ डैच डब्ल्यू माइनस ऑफ जी डब्ल्यू इज लेस देन ऑफ एप्सला एफ डैच डब्ल्यू मीन्स एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जेड माइनस डब्ल्यू माइनस जी डब्ल्यू क्या प्रूफ करना है हमें लेस देन ऑफ एप्सला यही प्रूफ करना है और एफ ऑफ जेड को मैंने कैसे लेट करा f एफ ऑफ जेड इज इक्व टू एस एन जेड प्लस आर एन जेड ठीक है इसका मतलब अगर मैं ये कंसिडर करूँ एफ ऑफ़ जेड माइनस एफ़ ऑफ़ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जेड माइनस डब्ल्यू तो क्या आ जाएगा एस एन जेड प्लस आर एन जेड माइनस एस एन डब्लू माइनस आर एन डब्लू डिवाइडेड बाय z माइनस डब्ल्यू और साथ में क्या है जी डब्ल्यू तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ़ जी डब्ल्यू ठीक है स्टूडेंट्स यही आएगा तो वही यहाँ पर मैंशन है ये जो z है ये यहाँ पर ऐसे आएंगे ठीक है तो राइट इट हेयर राइज ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया अब हमने क्या करा ऐड और सबट्रैक्ट करा एस एन डैश डब्ल्यू को और एस एन डैश डब्ल्यू को ऐड और हमने सब्ट्रैक्ट करा अब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करा है सी हेयर जैसे ये है ना हमारे पास एस एन जेड माइनस एस एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जेड माइनस डब्ल्यू हो जाएगा प्लस आर एन जेड माइनस आर एन डब्लू डिवाइडेड बाय जेड माइनस डब्ल्यू ठीक है माइनस ऑफ जी डब्ल्यू अब हमने इसमें क्या करा एस एंड डैश डब्ल्यू को ऐड करा और एस एंड डैश डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट करा सो so दैट हमारे पास क्या आ गया अब एस एंड डैश एस एंड जेड माइनस एस एंड डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जेड माइनस डब्ल्यू माइनस एस एंड डैश डब्ल्यू ठीक है प्लस एक एटम आ गई प्लस आर एन जेड माइनस आर एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जेड माइनस डब्ल्यू एंड क्या आया हमारे पास दैट एस एंड डब्ल्यू माइनस ऑफ जी डब्ल्यू ठीक है ये किसके इक्वल आया हमारे पास इट इज़ इक्वल टू एफ एफ जेड माइनस एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जेड माइनस डब्ल्यू माइनस जी डब्ल्यू ठीक है अब हमने क्या लिया टेकिंग मॉड ऑन बोथ दो साइड्स मॉड लेंगे तो इट इज़ लेस दैन इक्वल टू इसका मॉड इसका मॉड एंड इसका मॉड ठीक है मुझे प्रूफ क्या करना है आई हैव टू प्रूफ दैट दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ एप्सेलन मतलब हर एक टर्म अगर लेस देन ऑफ एप्सेलन बाय थ्री एप्सेलन बाय थ्री एप्सेलन बाय थ्री हो जाए तो हमारा रिजल्ट रिक्वायर्ड टू प्रूव हो जाएगा दैट इज़ रिजल्ट प्रूव हो जाएगा क्योंकि अगर ये एप्सेलन बाय थ्री हो गया लेस देन ये लेस देन एप्सेलन बाय थ्री हो गया ये लेस देन एप्सेलन बाय थ्री हो गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास एप्सेलन बाय थ्री प्लस एप्सेलन बाय थ्री प्लस एप्सेलन बाय थ्री विच मीन्स थ्री एप्सेलन बाय थ्री दैट इज एप्प्लेट यही होगा ना हमारे पास तो लाओ अस प्रोसीड फॉर इट यही यहाँ पर करा है लेट अस टेक अ पॉइंट जेड बिलोंगिंग्स टू अ क्लोज बॉल विथ सेंटर एट डबू एंड रेडियस डेल सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जेड माइनस डब्ल्यू माइनस ऑफ जी डब्ल्यू किसके इक्वल आया इसके इक्वल आया ठीक है अब हमने हर एक पार्ट को अलग अलग कंसिडर कर लिया ठीक है इसका मोड कंसिडर करा तो क्या आ जाएगा वन बाय जेड माइनस डब्ल्यू दिस मीन्स समेशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम एन प्लस वन टू इन्फिनिटी ए के जेड की पार के और आर एन डब्ल्यू क्या हो जाएगा के समेशन के वेरिंग फ्रॉम एन प्लस वन टू इन्फिनिटी ए के डब्ल्यू की पार के ठीक है अब यहाँ से समेशन के वैरिंग फ्रॉम वन एन प्लस वन टू इन्फिटी ए के कॉमन आएगा और यहाँ के आ जाएगा जेड के माइनस डब्ल्यू के अब z के माइनस को कोके हम कैसे ओपन करेंगे बाय द फॉर्मूला x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू वाई प्लस सो और वाई के पावर n माइनस वन ठीक है तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा मीन्स दैट यहाँ पर हमारे पास आएगा दैट इट इज लेस दैन इक्वल्स टू वन बाय मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू समेशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम एन प्लस वन टू इंफिनिटी मॉड ऑफ ए के विथ मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ के जेड माइनस ऑफ डब्लू जेड के माइनस वन प्लस जेड के माइनस ऑफ टू डब्ल्यू प्लस जेड के माइनस ऑफ थ्री डब्लू का स्क्वायर सो ऑन डब्ल्यू की पार के माइनस वन ब्रैकेट क्लोज ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया अब देखो हमें पता है कि मॉड ऑफ डब्ल्यू हमने इस तरह से चूज करा था कि वो लेस देन ऑफ़ आर होगा इसका मतलब मॉड ऑफ डब्ल्यू कि पार के माइनस वन किस से लेस होगा आर के माइनस वन से ऑल्सो हमें पता है दैट कि जेड किस को बिलोंग कर रहा है जेड बिलोंग्स टू अ क्लोज बॉल डब्ल्यू विद रेडियस एट डेल और सेंटर क्या है हमारे पास डब्ल्यू इसका मतलब इसकी रेडियस डेल है ऑब्वियसली ये वाली रेडियस किस में कं ये वाली बॉल किससे छोटी थी इस वाली बॉल से तो इसका मतलब मॉड ऑफ जेड भी लेस देन ऑफ आर होगा ठीक है इज इट राइट स्टूडेंट अब ये वाली टर्म कंसिडर करो दैट इज जेड की पावर के माइनस वन प्लस जेड की पावर के माइनस टू डब्ल्यू प्लस जेड की पावर के माइनस थ्री डब्लू का स्क्वायर प्लस सो so ऑन जेड की पावर डब्लू की पावर के माइनस वन इट इज लेस देन आर की माइनस वन प्लस आर के माइनस टू और डब्ल्यू किससे लेस है आर से प्लस आर के माइनस थ्री डब्ल्यू किससे लेस है आर से तो डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर से इन टू ऑफ आर स्क्वायर यहाँ थ्री आ जाएगा प्लस सो ऑन आर के माइनस ऑफ वन मीन्स इसका मतलब आर के माइनस वन प्लस आर के माइनस वन प्लस आर के माइनस वन सो ऑन आर के माइनस वन कितने टाइम्स हुआ के टाइम्स तो विच कैन बी रिटर्न एज के टू आर के माइनस वन इज इट राइट स्टूडेंट इसका मतलब ये वाली टर्म हमारी किस में कन्वर्ट हो गई दिस इज कन्वर्टेड इन टू इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू वन बाय मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू समेशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम एन प्लस वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए के ठीक है मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू और इसके प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू के आर के माइनस वन तो क्या आ जाएगा के आर के माइनस वन ठीक है अब ये और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी मीन्स हमारे पास क्या आ गया समेसन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम एन प्लस वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए के आर के माइनस वन ठीक है और हमें पता है दैट दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर स्मॉल आर लेस देन ऑफ कैपिटल आर इसका मतलब ये वाली सीरीज पे जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो क्या आ जाएगा हमारे पास दिस अप्रोच टू तो ज़ीरो अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो देयरफॉर फॉर एनी एप्सलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन वन बिलोंगिंग्स टू तो नेचुरल नंबर सच दैट समेशन ऑफ मॉड ऑफ ए के के आर के माइनस वन इज लेस देन ऑफ एप्पसेलन बट मुझे चाहिए कि हर एक टर्म एप्सलन बाई थ्री से लेस हो तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्सेलन बाई थ्री चूज कर लिया ठीक है फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एन वन विच मीन्स मॉड ऑफ आर एन जेड माइनस आर एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जेड माइनस डब्ल्यू इज लेस देन ऑफ एप्सेलन बाय थ्री ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया ऑल्सो हमारे पास क्या है दैट लिमिट ऑफ एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन डैश डब्ल्यू किसके इक्वल होगा लिमिट ऑफ एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन डैश डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी के वेरिंग फ्रॉम वन टू एन के ए के माइनस ए के डब्लू के माइनस वन ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट से आई थी जो हमने कल फर्स्ट पार्ट डिस्कस करा था और ये हमने लेट क्या करा है जी सेड जी जेड को यही लेट करा था ना जी जेड इज़ इक्वल टू समेन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी के ए के जेड के माइनस वन मीन्स ये क्या हो जाएगा जी ऑफ डब्ल्यू ठीक है ना दैट इज दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ डब्ल्यू जब हमने यहाँ पर इन्फिनिटी अप्लाई करें लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा के वेरिंग फ्रॉम वन तो टू इन्फिटी के ए के जेड डब्ल्यू के माइनस वन और ये किसके इक्वल था डब्ल्यू के ठीक है इसका मतलब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड टू सच दैट मॉड ऑफ एस एन डैश डब्ल्यू माइनस जी ऑफ डब्ल्यू इज लेस दैन एप्सिलन बाय थ्री फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन टू तो वही यहाँ पर लिखेंगे हम दैट फॉर देर फॉर फॉर एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड टू सच दैट मॉड ऑफ़ एस एन डैच डब्ल्यू माइनस ऑफ जी डब्ल्यू इज लेस देन ऑफ एप्सलन बाय थ्री फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एन टू ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया अब हमने क्या एक small N consider करा एक स्मॉल एन कंसिडर करा विच इज कंसिडर टू बी हेज मैक्सिमम ऑफ एन वन कॉमर एन टू सो दैट ये जो रिजल्ट है फॉर किसके लिए हो जाएंगे फॉर मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ डब्ल्यू लेस देन डेड के लिए तो देअ फॉर वी चूज डेल पॉजिटिव सच दैट ठीक है मतलब जब हमने एन को मैक्सिमम ऑफ एन वन कॉमे एन टू कंसिडर करा तो ऑब्वियसली ये एन के लिए होल्ड हो गए दोनों केसेस अब हमारे पास रेह कौन सा गया ये वाला पार्ट रह गया ना एस एन डाश वाला अवली कंडीशन रह गई इसको लेसन बाय थ्री चूज करना है तो हमने क्या करा कि वी कैन चूज डेल पॉजिटिव सच दैट कि ये जो टर्म है एस एन डैश एस एन जेड माइनस एस एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एस एड माइनस डब्ल्यू माइनस ऑफ एस एन डैश डब्ल्यू इज ऑफ लेसन ऑफ थ्री फॉर ऑल मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू लेस देन डेल तो यहाँ से तीनों कंडीशंस आ गई तीनों कंडीशंस को हमारी मोड वाली टर्म में पुट करोगे दैट इज यहाँ पुट करोगे एप्सलन बाय थ्री प्लस एप्सलन बाय थ्री प्लस एप्सलन बाय थ्री आ जाएगा दैट इज़ विच इज़ लेस देन ऑफ एप्सलन आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो लेट अस सी इन नोटबुक यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था दैट इज़ जैड की पावर के माइनस डब्ल्यू की पावर के को इस फार्मूले से हमने ओपन करा और हमारे पास ये टर्म आ गई ये आने के बाद आपने यहाँ पर ऑफ जेड स्मॉल आर से लेस है और डब्ल्यू भी स्मॉल आर से लेस है जेड क्यों लेस है क्योंकि हमने यहाँ पर चूज करा है इस तरह से कि जेड बी द पॉइंट इन दिस तो अगर इसके लिए कर रहे हैं तो जिस केस के लिए कर रहे हैं उस केस के लिए जेड किसको बिलोंग कर रहा है बॉल क्लोज बॉल विथ सेंटर एट डब्ल्यू एंड रेडियस टाइल तो ऑब्वियसली ये बॉल किससे छोटी है इस वाली बॉल से तो ऑब्वियसली जेड का जो मोड होगा वो लेस देन स्मॉल आर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पुट करा फिर वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट की वाली डेफिनेशन अप्लाई करके हमने कैन वन नेचुरल नंबर एक्जिस्ट करवाया है सो दैट दिस टर्म इज लेस लेसन ऑफ एप्सिलॉन बाय थ्री फिर हमने एस एंड आज डब्ल्यू कंसिडर करा ऑब्वियसली जब हमने लिमिट एन अप्रोच टू तो इन्फिनिटी अप्लाई करी सो दैट हमारे पास क्या हो जाएगा के वैनिंग वन टू तो एन के ए के डब्ल्यू के माइनस ऑफ वन ठीक है स्टूडेंट अब यहाँ से एस एंड एच डब्ल्यू इज इक्वल टू जी डब्ल्यू आ गया ठीक है यहाँ तक समझ आया अब फॉर एन अपशन पॉजिटिव यहाँ पर भी हमने डेफिनेशन अप्लाई करी दैट इज़ देर एग्जिस्ट एंड नेचुरल नंबर एन टू बिलोंगिंग्स टू सच दार ये वरी टर्म लेस दें आप सेवन बाइसरी होगी ये जो रिजल्ट था हमारे पास एन वन के लिए होल्ड कर रहा था या एन टू के लिए होल्ड कर रहा था तो मैंने क्या कंसिडर करा एक स्मॉल एन ले लिया विच इज़ कंसिडर टू बी एज मैक्सिमम ऑफ एन वन एन एन टू मतलब वो सारे एन के लिए होल्ड कर जाएगा ठीक है अब थर्ड टर्म को भी हमने इस तरह से चूज करा कि ये टर्म लेस लेसन ऑफ एप्सिलॉन बाय थ्री हो जाए तो सारी टर्म्स की वैल्यूज आप सब्सिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जेड माइनस डब्ल्यू माइनस जे डब्ल्यू किससे ले जाओगे एप्सिलॉन बाय थ्री प्लस एप्सलन बाई थ्री प्लस एप्सलन बाई थ्री मीन्स विच इज़ लेसन ऑफ एप्सिलॉन फॉर द रीजन मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू लेसन ऑफ़ डेथ ठीक है स्टूडेंट अब हमने क्या करा वी टेक जेड अप्रोचे टू डब्ल्यू जेड अप्रोच कर रहा है डब्ल्यू को मतलब लिमिट ऑफ जेड अप्रोचेज टू डब्ल्यू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जेड माइनस डब्ल्यू किसको इक्वल होगा जी डब्ल्यू के और ये किसकी ये क्या हुआ एफ डैच डब्ल्यू एफ डैच डब्ल्यू इज़ इक्व टू जी डब्ल्यू ऑल्सो मुझे बताया एफ एफ जेड की वैल्यू ये है तो एफ एफ डैश एफ डैच जेड की वैल्यू क्या होगी ये होगी बाई इक्वेशन फर्स्ट तो इसका मतलब ये जो डेरीवेटिव है ये एग्जिस्ट कर रहा है ये डेरीवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो बाई यूजिंग अप्लाइंग सेम कंडीशंस टू द पार्ट दिस तो हम ये भी एग्जिस्ट बता सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा हैं फिर डबल डेरिवेटिव में सारा प्रोसेस अप्लाई करो तो थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब कंटिन्यू करते करते हम कह सकते हैं कि ए केथ डेरीवेटिव भी एग्जिस्ट करता है तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है एफ डज दैट एग्जिस्ट सिमिलरली एफ डबल डेरीवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा कॉन्टिन्यू करते रहेंगे तो हम ऑप्टेन कर सकते हैं केथ डेरीवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ केथ डेरीवेटिव क्या होगा हमारे पास दिस विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन वन ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक समझ आया अब नेक्स्ट है सी पार्ट सी पार्ट क्या है हमारे पास कि हमें प्रूफ करना है फॉर एन पॉजिटिव हमें प्रूफ करना है कि ए e एन की वैल्यू क्या है एन डेरिवेटिव ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल ठीक है और एट क्या है एट एट सीरो ठीक है स्टूडेंट्स अब कंसिडर करो आपके पास एफ ऑफ़ जेड की वैल्यू क्या है एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एंड वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इनफिनिटी ए एंड जेड की पार एंड मीन्स विच कैन बी रिटर्न एज ए नॉट प्लस एवन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस सो तो हमने क्या पुट करा पुट ए जेड इज ईक्वल टू जीरो तो एफ ऑफ जीरो इज ईक्वल टू ए नॉट प्लस एवन इंटू जीरो प्लस ए टू इंटू जीरो मीन्स विच इज़ इक्वल्स टू ए नॉट ठीक है फिर डा जेड लिया तो क्या आ जाएगा जीरो प्लस ए वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए टू जेड एंस हो फिर जेड को ज़ीरो पुट करा तो क्या आ गया ए वन फिर डबल डेरीवेटिव लिया ए वन का डेरीवेटिव जीरो टू ए टू जेड का डेरीवेटिव टू ए टू प्लस सिक्स थ्री सिक्स ए थ्री जेड एंस हो तो फिर जब हमने जेड को जीरो पुट करा तो क्या आ गया टू ए टू दैट कैन बी रिटर्न एज टू फैक्टोरियल ए थ्री फिर हमने ट्रिपल डेरीवेटिव फाइंड आउट करा तो क्या आ जाएगा सिक्स ए थ्री प्लस आगे जितने भी टर्म्स होंगे वो सारी Z वाली टर्म्स होंगे तो जब हमने Z को जीरो पुट करा तो क्या आ जाएगा सिक्स ए थ्री सिक्स ए थ्री में थ्री फैक्टोरियल ए थ्री तो जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो के एथ डेरीवेटिव क्या हो जाएगा के डेरीवेटिव ए के क्योंकि अगर यहाँ थ्री थर्ड और डेरीवेटिव था तो यहाँ पर भी ए थ्री आ रहा था अगर यहाँ के एथ डेरीवेटिव होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा ए के विच मीन्स ए के इज टू एफ के जीरो डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं दैट ए एन इज इक्वल्स टू एफ एन एट जीरो डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल विच कम्प्लीट्स थियोरम नंबर नाइन ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लौगे रिथमिक फंक्शन ओनली दिस मच फॉर टू डे क्लास थैंक यू